नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2024, दिन है गुरुवार। विक्रम संवत है 2081, शक संवत है 1946, संवत्सर है कालयुक्त, सूर्यदेव है दक्षिणायन, ऋतु है शरद, मास है भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि है द्वितीया, जो 12:21 PM तक रहेगी। राहु काल है 1:54 PM से लेकर के 3:28 PM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल, आइए देखें सभी राशियों का क्या हाल है। आइए मेष राशि से शुरू करते हैं, देखें मेष राशि वालों का क्या हाल है। मेष राशि वालों का हाल कुछ इस तरह का दिख रहा है कि इस समय पर आपके दिमाग में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत प्रोडक्टिव थॉट्स चल रही हैं, मतलब बहुत जोश में है और बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आज आराम करने का कहीं से भी मूड नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कर डालें वो कर डालें, और सही बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जा रही है क्योंकि आपके पार्टनर साझेदार आपका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको खुद को करना पड़ रहा है बहुत कुछ, तो इस वजह से भी आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने का बनता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्षमता दिख रही है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलने के बाद भी अपने सारे कार्य को ठीक तरीके से करके आप परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में और आपको लाभ भी मिल सकता है, ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। तो इसलिए आपको किसी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अपने साथी का, अपने साझेदारों का, अपने जीवन साथी का, सबका साथ, जिनको भी जो भी तकलीफ में है उनकी मदद अवश्य करें और अपने कार्य के लिए आप जो भी मेहनत करेंगे उससे लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग, लाल रंग, पीला रंग प्रयोग में अवश्य लें। इन रंगों से आपको बहुत उत्साह मिलेगा, आपकी ऊर्जा काफ़ी पावरफुल रहेगी, जिससे आप अच्छे तरीके से लाभ लेकर आगे बढ़ पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बुद्धि का, अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते हुए आप अपने कार्य का विस्तार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका काम को, इससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरीके का योग यहाँ पर दिख रहा है। कोशिश करें कि आज के दिन आप हरा रंग, काला रंग प्रयोग में अवश्य लें। इन रंगों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और साथ में सफ़ेद रंग भी आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। आइए दर्शकों, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको हर तरह से मदद मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपके मन में थोड़ी सी निराशा सी रहेगी यदि आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, मतलब अगर शरीर में जल तत्व की कमी हो जाएगी तो आपको थोड़ी सी उदासी सी, निराशा सी लगेगी। लेकिन यदि आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं या दूध पीते हैं या जूस पीते हैं, कोई भी चीज़ प्राकृतिक लिक्विड जलीय चीज़ अगर आप पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, जूसेस लें और लिक्विड लेने की कोशिश करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप खुश भी रहेंगे और समय का फ़ायदा भी उठाने के लिए आपके अंदर एनर्जी रहेगी और निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति करने में सहायक रहेगा यह सब प्रयोग। कोशिश करें कि आज के दिन हरा रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग, संतरा रंग, संतरी रंग और पीला रंग, इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और आप अच्छे तरीके से कार्य भी कर पाएंगे और लाभ भी ले पाएंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके हेल्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप खुद थोड़े परेशान हो सकते हैं और स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको किसी भी तौर पर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि अपने आप पे बहुत ध्यान दें, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को देखें कि कहाँ गड़बड़ी चल रही है, आपके रूटीन टाइम टेबल को ठीक करें, तभी आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे, क्योंकि समय तो अच्छा दिख रहा है, आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर लापरवाही करेंगे तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए कोशिश करें, अपने आप पर ध्यान रखें, आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि पीला और सफ़ेद रंग प्रयोग मिलेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, सही तरीके से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और सही डिसीजन भी लेने की क्षमता रहेगी आपके अंदर इन रंगों की सहायता से। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो अभी समय चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है समय, और गोल्डन पीरियड कह सकते हैं इसको। हालांकि आपके काम में कई तरह की थोड़ी बहुत उलझन आएगी, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो चैलेंजिंग होगी, लेकिन वो अगर आप उनको ठीक से सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, मतलब आप जो भी कार्य इम्प्रूव करेंगे आप उससे आपको लाभ मिलेगा ही, ऐसा शुभ योग बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ी होने के बाद आप उसको ठीक कर पाते नहीं हो पाता और लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए आपको ट्रबल शूटिंग करना चाहिए, ठीक करना चाहिए चीज़ों को और लाभ मिलेगा, ऐसा विश्वास के साथ आप लगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग प्रयोग में लेंगे तो ये सब उत्साह बढ़ा के रखेंगे और लाभ प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप फिर से अपने काम में इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा आपका डाइवर्जन होने का दिख रहा है अपने काम से,
लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो जो भी आपने किया है अब तक उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने काम को बिल्कुल ही फोकस नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है काम आपका खराब भी हो जाए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अपने आपको डाइवर्ट नहीं होने देना है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले के काम को आप छोड़े नहीं तो आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें कि बड़ों से आशीर्वाद लेकर सहयोग लेकर के अपने कार्य को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि सफ़ेद और पीला रंग प्रयोग में लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी से भर के रखेगा आपको। आइए दर्शकों, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके कार्य में कुछ थोड़ी बहुत उलझनें आएंगी, लेकिन उनको आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। थोड़ी सी चीज़ें ठीक करेंगे और ठीक करने से आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा शुभ योग बनने के चांसेस भी बन रहे हैं। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको ठीक करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसे होने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए इसको समस्या ना समझें, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, जिसमें आप इसको आप अगर अवेल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप सफ़ेद रंग, काला रंग और लाल रंग प्रयोग में लेंगे तो ये तीनों रंग आपको उत्साह से भर के रखेंगे और सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से दिन का सदुपयोग करने में काफ़ी मदद करेंगे। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत अच्छे तरीके से दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपने सुबह सुबह महामंत्र कर लिया है और चंदन का टीका, सफ़ेद चंदन का टीका लगा लिया है और चंदन का इत्र भी प्रयोग में ले लिया है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप दिन का सदुपयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आपके डिपेंड होने की कोशिश करेंगे, एक तरह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ठीक तरीके से उठा लिया तो आप निश्चित तौर पर आप सफलता की तरफ बहुत बड़े कदम उठा पाएंगे। इसलिए आपको इसको यह मौका चुकना नहीं चाहिए, अपने आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके समय का सदुपयोग करें। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, लाल रंग, ऑरेंज रंग और पिंक रंग प्रयोग में लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आप दिन का सदुपयोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे और लाभ भी ले पाएंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं धनुराशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनुराशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके कार्य में बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होने का दिखता है। आपके बड़ों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। बड़े अभी थोड़ी सी समस्या, थोड़ी मुसीबत में या ऐसे बिजी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपसे उम्मीदें जरूर करेंगे कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। इस तरह से आपको उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है। इस तरह से आप ओवरबर्डेंड हो सकते हैं, आपको ज़्यादा टास्क कंप्लीट करना पड़ सकता है, लेकिन आप ऐसे ही समय में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और इस तरह से अपनी काबिलियत प्रूव करके आगे बढ़ पाएंगे और साथ साथ आपको लाभ भी बहुत अच्छे से मिल पाएगा। अभी समय काफ़ी बदल चुका है, इसलिए आपको आपके सहयोगों का भी बहुत साथ मिलेगा, आपके साझेदारों का, पार्टनर्स का भी बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट मिलेगा और अच्छी तरह से एक टीम वर्क करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा शुभ योग चल रहा है। इसीलिए किसी भी तरह की चिंता परेशानी के बिना अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन हरा रंग और पीला रंग प्रयोग मिलेंगे, ये दोनों रंगों से आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा और साथ में सफ़ेद रंग और गुलाबी रंग भी बहुत ही शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप कई तरह से उलझन परेशानियों में दिख रहे हैं। हालांकि आपकी बुद्धि ठीक से काम करे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके दिमाग। तो कन्फ्यूज बुद्धि का कोई खास फायदा नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना होने के बजाय कोशिश करें कि अपने आप को कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में जल की मात्रा भरपूर रखें, दूध, जूस इत्यादि पीने की कोशिश करें या पानी पिएं। तो इस तरह से आपके जल की मात्रा शरीर में अच्छी रहेगी तो आप ठीक रहेंगे। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके साथ ही आपके पार्टनर, साझेदार, इन सबके साथ मिलकर के डिस्कशन करके ही कोई निर्णय लेंगे वो अच्छा रहेगा। अकेले आप निर्णय लेंगे तो गलती भी हो सकती है और आपका किसी से डिस्प्यूट या किसी तरह की उलझन परेशानी में पड़ने का बनता है। कोशिश करें कि आज के दिन आप सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र और पीले रंग, इन वस्त्रों का, इस तरह के रंगों का वस्त्र पहने, ऐसे रंगों के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी और आप अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे, ऐसी क्षमता हो जाएगी। आइए दर्शकों, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आप बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने पार्टनर्स के साथ, साझेदार के साथ मिल करके बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे और जो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपके जीवन में उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, लेकिन आपका समय इतना अच्छा चल रहा है और आपके सहयोग इतना अच्छा मिल रहा है, आपके साथी, पार्टनर्स, साझेदार सब इतने अच्छे तरीके से आपको मदद कर पा रहे हैं कि आपको किसी के सहयोग की किसी भी भाग्य और किसी सहयोग की आवश्यकता और है नहीं, और आप इतने में ही बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए, पॉजिटिव माइंड रखते हुए अगर आप लाल रंग, काला रंग, पीला रंग और हरा रंग का प्रयोग मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी और अच्छे तरीके से आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए प्रगति की तरफ बढ़ते रहेंगे और लाभ भी लेते रहेंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिखना है जिसमें पर आपको थोड़ी सी चिंता परेशानी में होने का दिखना है, आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी आएगी और थोड़ी चिंता परेशानी में होने का दिखना है, जिसकी वजह से आप कई थोड़ी छोटी मोटी दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं यदि आप मार्ग में ठीक तरीके से ड्राइविंग नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो इसलिए आपको ड्राइविंग अवॉइड करने से अच्छा रहेगा, यदि आप ड्राइविंग करना भी पड़ रहा है तो बहुत ही सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलने फिरने में भी सावधानी रखेंगे, क्योंकि सड़क में अगर मार्ग पर आप चल रहे हैं तो चोट लग करके गिर भी सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरह से अगर सावधानी बरत सकते हैं तो आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी दूध जूस वगैरह ये लिक्विड इंटेक्स जरूर रखें, जिससे आप बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज का दिन सफ़ेद रंग, पीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग और ऑरेंज रंग, इन रंगों का प्रयोग करें, जो आपको उत्साह बढ़ा रखेगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए रखेगी और सही तरीके से आपको दिन का सदुपयोग करने में मदद मिल जाएगी। तो यह था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।